चल पड़ते हैं और जब अंधेरा हो जाता है तो खड़े के खड़े रह जाते हैं, और अगर अल्लाह चाहता तो उनके कानों की सुनवाई और आंखों की बीनारी दोनों को जाहिर को जहन्नम के दो कबूल किया जाए और न लोग किसी और तरह मदद हासिल कर सके। इस्त्री करना एहसानात को याद करो जब हमने तुमको कौम फिरौन से मुक्ति बख्शी, वो लोग तुमको बड़ा दुख देते थे, तुम्हारे बेटों को तो खत्म कर डालते थे और बेटियों को जिंदा रहने देते थे, और इसमें तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से बड़ी सख्त आजमाइश थी। तो अपने परवरदिगार से दुआ कीजिए कि तरकारी और ककड़ी और गेहूँ और मसूर और प्याज वगैरह जो नबाता जमीन से उगती है हमारे लिए पैदा करें। बिस्मिल्लाह वालेकुम अस्सलाम, ठीक हूँ मालिक बेटा, क्या हाल है? ठीक हो? अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, अल्लाह पाक का शुक्र है हम भी बेहतर हैं, काफ़ी ठीक हैं। तो आज है ईद का दिन, तो आप सबको मेरी तरफ से प्यारे व्यूवर्स को बहुत बहुत ईद मुबारक, दिली ईद मुबारक आप लोगों को। अल्लाह ताला हम सबको ऐसी हज़ारों ईदें नसीब फरमाए और हमारी ज़िंदगी से तमाम परेशानियां और मुश्किलें दूर कर दे और आसानियां पैदा कर दे हमारे लिए, और हर ईद जो आने वाली है वो हमारे लिए खुशियाँ और सुकून लेके आए, और कुर्बानी करने की हम सबको जिस जिस के पास तौफीक नहीं अल्लाह ताला सबको तौफीक दे, आमीन इलाही आमीन। भाई मुसलमान हैं मुझे देख रहे हैं, उन सबको ईद मुबारक, और जो मुसलमान नहीं हैं मेरे बहन भाई उनको भी ईद की खुशियां मुबारक, तो भी हमारे बहन भाई हैं कोई ऐसी बात नहीं, तो अल्लाह ताला सबको खुश रखे आबाद रखे, हमारी सब के लिए दुआ है एक अमल और इबादत करने की तौफीक दे। तो चलें जी, बच्चे मेरे एक एक करके उठ रहे हैं, तो मैं ये उनको तुख मलंगा और रूह अफ़ज़ा बना के दे रही हूँ, क्योंकि गर्मी जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, गर्मी की तो कोई जो है ना वो हद ही नहीं रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी है, ना तो सुबह में सुकून है ना शाम में सुकून है, कि सुबह सुबह चलो अच्छा मौसम होगा, सुकून होगा, थोड़ा ठंडक होगी, लेकिन नहीं, सुबह सुबह में भी बहुत ज़्यादा गर्मी है। और मेरे जो हस्बैंड हैं और मेरे जो ससुर हैं वो नमाज़ पढ़ने के लिए चले गए हैं मस्जिद में, और मेरी जो मतलब सास हैं, अम्मी सास हैं, वो सोई हुई हैं, और बच्चे भी मेरे कुछ भी सो रहे हैं, कुछ उठ गए हैं। मरियम ये लो बेटा, तुमको हुक्म दिया गया है ये देखें जी माशाल्लाह ईद की नमाज़ पढ़ी जा रही है, कुछ लोग ये देखें मस्जिद से निकल रहे हैं नमाज़ पढ़ के, ये देखें ये सामने मस्जिद है, ये नमाजी जो हैं पढ़ के नमाज निकल रहे हैं, सुभान अल्लाह क्या कहने, दीने इस्लाम की क्या ही बात है, इस्लाम दीन जैसा कोई दीन ही नहीं है। ये देखें ये बैठे हुए हैं बकरे, अभी इनकी कुर्बानी की बारी आ जाएगी, फिर इनको कुर्बान किया जाएगा, सुभान अल्लाह। तो सुन्नत इब्राहिमी जो है वो अदा होगी, तो आज भी सूरज बहुत गर्म निकला है, बहुत गर्मी है, अल्लाह करे आज इतनी गर्मी ना हो, अच्छा मौसम बन जाए।
ये और दो बकरे आ गए रात को, दो बस अल्लाह पाक मुझे भी तौफीक दे, मेरी बहुत ख्वाहिश है। चलें जी चलते हैं नीचे, सेवैयाँ वगैरह बनाते हैं। और आज के ईद के दिन जो है ना, बच्चे इतना कुछ खाते नहीं हैं, बस सेवैयाँ थोड़ी बहुत खा ली, वो भी इतनी कोई गौर से नहीं खाते। गोश्त तो वो बिल्कुल नहीं खाते, वो कहते हैं हमारा दिल नहीं कर रहा, बस थोड़ा थोड़ा एक एक बोटी जो है ना वो चखते हैं बस, और फिर वो नहीं खाते नहीं हैं। वो कहते हैं कि इतना ज़्यादा वो देख देख के ना तो दिल जो है ना भरा होता है, तो फिर ज़्यादा खाना भी नहीं चाहिए। बहुत ज़्यादा जो है गोश्त जो है वो भी नुकसानदेह है, थोड़ा थोड़ा करके खाना चाहिए और मिल बांट के खाना चाहिए, जिनके पास नहीं है उनको भी देना चाहिए। तो चलें जी नीचे चलते हैं, हस्बैंड आएंगे नमाज पढ़ के, तो मैं उनको कहूँगी दूध लेके आए, सेवैयाँ वगैरह। ये देखें जी बिल्ली और ये चिड़िया, प्यारी सी चिड़िया बैठी हुई है। कब से मैं देख रही हूँ ये चिड़िया इधर ही बैठी हुई है। ये देखे माशाल्लाह कलमा लिखवाया हुआ इन्होंने, कितना प्यारा। आजा ये देखें जी माशाल्लाह कुर्बानी का जानवर कितना खूबसूरत है। मैं जा रही हूँ अब्बा जी की कब्र पर, अब्बा जी को ईद मिलने के लिए। ये देखें माशाल्लाह पूरी गली भरी हुई है कुर्बानी के जानवरों से, माशाल्लाह माशाल्लाह। जो जो कुर्बानी करें अल्लाह ताला सबकी कबूल करे। देखें जी मैं आ गई हूँ कब्रिस्तान, यहाँ पे मेरे अब्बा जी दफन हैं। ये देखें आज ईद के दिन कितने लोग आए हैं। ये जी मेरे अब्बा जी की कब्र, अल्लाह ताला इनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और इनके तमाम सगीरा और कबीरा गुनाह माफ करे। मेरे पास ही हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी क्या हाल है? कब्र पे आए हैं? ना रोएं चुप करें। बाजी मैं जा रही हूँ, अल्लाह ताला आपको जन्नत में जगह दे। ने मेरे अब्बा जी की कब्र देखी है, देखिए एक दरबार है इस कब्रिस्तान में, यहाँ पे बहुत रश है अभी। देखें ईद का दिन है ना, सब आए हुए। ये देखें जी ये 200 साल पुराना दरख्त है। ये देखें जी ये कबूतर कब्बे दाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं।
ये देखें जी, ये पानी इतना खड़ा हुआ है यहाँ, बेचारे जितने भी लोग रहते हैं ना बहुत ही परेशान है, बहुत तंग है, उनके घरों में पानी चला जाता है। कब्रिस्तान है जहाँ पे मेरी बहन दफन है, जहाँ उसकी कब्र है। नहीं थे यहाँ पे ये पौधे, इन्होंने अब एक किस्म की ना वो वार्ड सी बना दी है। ये देखें थोड़ा सा रास्ता है, ये अम्मी खड़ी हुई हैं। अस्सलामुअलैकुम मेरा बीबी। अस्सलामुअलैकुम जी। ये देखें जी, ये मेरी बहन का नाम लिखा हुआ है, सुमेरा बीबी फलक शेर। ये मेरी बहन का बेटा आया था अब्दुल्ला। जा रहे हो? अल्लाह हाफिज। रहमान से सलाम। कादम शादा पची हो गए। खड्डी मट्ठी हो, बस करो फुल सारे ला जाने ही ने। ये इधर जो है ना कुछ कब्रें हमारे दूसरे रिश्तेदारों की कब्रें हैं, उनपे भी चलते हैं, सबका ख्याल रखना चाहिए। ये देखें जी शहरे खामोश, यहाँ पे बेचारे ये जो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, अल्लाह ताला इनकी मगफिरत करे और अल्लाह पाक इनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। ये देखें जी यहाँ भी हमारे कुछ रिश्तेदार जानने वाले रहते हैं, बेचारे बहुत ही परेशान हैं। ये देखें, ये जब बारिश होती है ना तो इनके घरों के अंदर पानी चला जाता है। अब्दुल्ला अपनी अम्मी के कब्र पे आए हो, बहुत अच्छा किया बेटा। और ठीक हो? सुमेरा जी की हाल है? ठीक हो? अल्लाह पाक आपको जन्नत में घर दे और खुश रखे, मगफिरत फरमाए। ईद का दिन था तो मैंने सोचा कि मैं कब्रों से हो आऊं, अपनी बहन की और अपने अब्बू जी की। आप भी जाया करें कब्रों पे ईद वाले दिन, क्योंकि जो दुनिया से चले जाते हैं वो हमें याद करते हैं, उन वो इंतज़ार भी करते हैं कि कोई आएगा हमें मिलने के लिए। जी कीड़ों के ऊपर डालने के लिए चीनी चावल वगैरह मंगवाए हैं, तो अभी मैं कीड़ों पे डालूंगी। कुछ छोटे छोटे बच्चे आए हैं, अपना बचपन याद आ रहा है कि हमने भी इसी तरह फ्रॉकें पहनी होती थी, रंग बिरंगी ऐनकें लगाई होती थी। बचपन की क्या बात है। कुछ इधर डाल देते हैं, ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, इतने बड़े बड़े इसमें सुराख हैं, पता नहीं इसमें क्या है, सांप हैं या क्या हैं, कुछ पता नहीं है। ठीक हो? क्या कर रहे हो? ईद बना रहे हो? नहीं, गए थे और आप मिले। अच्छा,
ये जो मेरी बहन उसकी डेथ हो गई है, ये उसका घर है। अस्सलामु अलैकुम या अहले कुबूर जी। तो प्यारे बहन भाइयों, ये मेरी छोटी बहन, यहाँ पे कब्र है। तो अब हम इधर आए हैं, पहले अब्बा जी और बड़ी जो मेरे से एक साल बहन है उसकी तरफ गई थी। ये मेरी मेरे हस्बैंड की बहन है, तो मेरी भी बहन ही है, खाला की बेटी भी है। तो अब हम उधर आए हैं, ये देखें जी बेचारे, अल्लाह ताला इनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, मग़फ़िरत फरमाए, जगह ही नहीं है गुज़रने की। लोगों ने अपने जिन जिन के थे इधर, सब ने आके फूल डाले हुए। ये देखिए, कब्रों पे जाना चाहिए इन दिनों में। अन्ना की हाल है, ठीक है। ये मेरी बहुत ही बचपन की प्यारी सहेली भी है और ये मेरी बहन भी है, सब कुछ है। ये बहुत अच्छी, अल्लाह पाक इसको जन्नत में आला मकाम दे। जितने भी दुनिया से मुसलमान मोमिन चले गए, अल्लाह ताला सबको जन्नत और फिरदौस में जगह दे। जी मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊं, ये दरख्त आप देख रहे हैं, ये कितना बड़ा दरख्त हो गया है। ये मेरे जो है ना, इनके अब्बू आमना के, उन्होंने लगाया था। मेरे ससुर भी हैं, मेरे दादा भी लगते हैं, कि मेरे अब्बू जी के वो चचा हैं, तो ये उन्होंने लगाया था। ये देखें कितना बड़ा, ये देखें माशाल्लाह, तकरीबन कोई 24-25 साल पुराना ये दरख्त है जी। हम चलते हैं, अल्लाह हाफिज़ आमना जी। तो मैं आ गई थी वापस कब्रों से होके, तो इसी के साथ चलती हूँ जी। अल्लाह ताला ईद का दिन अच्छे गुजरें, आने वाले दिन भी अच्छे गुजरें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।